नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला कलेक्ट्रेट में पिछले 10 दिनों से चल रहे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के धरने में पहुंची क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी के नेतृत्व में महिलाओं ने अपने समर्थन दिया। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में पिछले 10 दिनों से भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर धरना जारी है, जिसमें बृहस्पतिवार को क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी द्वारा काफी महिलाओं सहित भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए पूनम चौधरी ने कहा कि हम किसानों के साथ हर संघर्ष में योगदान करेंगे। क्रांति सेना का किसानों को पूर्ण समर्थन है। पूनम चौधरी के साथ अंजु त्यागी, जिला महासचिव कंचन बातला, संगठन मंत्री चालू चौधरी, मंडल सचिव नेहा गोयल, नगर अध्यक्ष सहित काफी महिलाएं मौजूद रही। आज हम भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक में अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। इनकी लड़ाई में हम इनके साथ खड़े हैं और जो इनके धर्मेंद्र मलिक जी हैं, इनको हम अपना समर्थन पत्र देकर हमने इनको अपने संगठन के लिए पूरी सहमति दी है। और जहां तक इनकी लड़ाई होगी दिल्ली तक या उससे भी आगे कहीं भी, महिला मोर्चा इनके साथ ही रहेगा। समझा जाए कि अब आप धरने पर बैठेंगी यहाँ पर इनके साथ? हाँ बिल्कुल, धरने पर भी बैठेंगे और जब जब हमारी जरूरत इन्हें पड़ेगी हम इनके साथ ही रहेंगे। देखिए, आज यहाँ कचहरी में चल रहे गन्ना मूल्य वृद्धि का ये आंदोलन का 10वां दिन है और आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी बहन पूनम चौधरी, जो लंबे समय से सामाजिक जीवन में कार्यरत है और मुजफ्फरनगर में इनका लंबा समय रहा है समाज सेवा का, क्रांति सेना की जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में। इन्होंने जो है किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दिया है और मेरा ये मानना है कि जहाँ पर मातृशक्ति की ताकत होती है वो आंदोलन निश्चित रूप से सफलता की ओर होता है। और इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सब किसान परिवार से ही हैं। आपके संगठन दूसरे हो सकते हैं, आपके विचार अगर किसान से मिलते हैं और आप किसान परिवार से हो तो किसान के बारे में निश्चित सोचना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। और मैं पूनम जी के साथ उनकी जो तमाम सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर आई हैं, सबका नाम मैं नहीं जानता, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये उम्मीद भी करता हूँ कि भविष्य में अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो जैसे जो भी आवश्यकता होगी इनका मात्र शक्ति का पूरा सहयोग मिलेगा और हम इनके ऋणी रहेंगे। और हमेशा ध्यान रहेगा कि हमारी बहन पूनम चौधरी ने जब देश में गन्ना किसान की लड़ाई चल रही थी तो आके अपना हौसला अफजाई के लिए समर्थन दिया और सुबह से ये ठंड में यहाँ सब बैठी हुई हैं और अभी आज ये दोपहर तक यहीं धरने पर रहेंगे। इनका सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी महिलाओं के? नहीं, निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए, आज है क्या कि संगठनों को भी आवश्यकता है, लेकिन उस तरह की महिलाओं की आवश्यकता है जो पढ़ी लिखी और होशियार महिलाएं हों। कारण ये है कि आजकल 50% से ज़्यादा अधिकारी महिलाएं हैं। अगर वो जमाना बदलता जा रहा कि कहीं भी हो आप थाने में जाओगे वहाँ पे महिला कांस्टेबल मिलेंगी, पटवारी महिलाएं हैं, तो अगर वे कहीं ना कहीं करप्शन का शिकार होती हैं तो उनको कुछ कहते हैं तो वे दूसरी तरह की बातें करती हैं, उससे दिक्कत होती है। तो आजकल ये कुछ ऐसी महिलाओं को भी आगे आना होगा सामाजिक क्षेत्र में जो इस तरह के समाज सेवा में लोगों के रोजमर्रा के जो काम पड़ते हैं उसमें मदद कर सकें। और बहुत खुशी है कि ये सब लोग आए, इनका बहुत बहुत आभार। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।